जति जति लोकसभा चुनावको मिति अघि आइरहेको छ, उति उति चुनावी तातो हावा तथा चुनावी माहौल पनि गरम भइरहेको छ। मैदानमा उत्रिएका अग्रपन्थीका राजनीतिक पार्टीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको देखिएको छ। जनसभा, वाल पोस्टर तथा आफ्नो पार्टीको झण्डाहरू गल्ली गल्लीमा फहराएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। साधारण ग्रामवासी जनताहरूले केन्द्र सरकारको योजनालाई साथ दिँदै भाजपालाई नै भोट दिने निश्चित गरेको छ। भैया क्या है आपका नाम? क्या है आपका नाम? लेवनु सुराव है। लेवनु सुराव। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो अभी? काम कर रहे हैं। क्या काम? झंडा उंडा लगा दे रहे हैं। किसका झंडा है? बीजेपी का है। बीजेपी का साथ दे रहे हैं आप? जी। क्यों, किस 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 वजह से बीजेपी का साथ दे रहा है? हम लोग उसको पसंद करते हैं, इसीलिए। पसंद का कारण क्या है? कारण क्या है, हम लोग को राशन दे रहे हैं इसीलिए। कितना ही? और आगे नहीं बोलना है। गाँव में क्या है बीजेपी का हालचाल के साथ? अच्छा है अभी तो? अच्छा, उतना कंडीशन नहीं है, फिर भी अभी कंडीशन आने वाला है, आएगा, आस्ते आस्ते आ जाएगा। आपको राशन मिल रहा है? हाँ जी। इतना इतना में खुश? खुश। और हम लोग का बहुत काम पड़ा है, अभी पानी देगा बोल रहे हैं। हम लोग का पानी का सबसे दिक्कत ज़्यादा है। और क्या है? और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, क्या बताएंगे आप लोग। अगली बार, इस बार बोलिए बीजेपी। बीजेपी, हाँ बीजेपी, हाँ एकदम बीजेपी में। ठीक है, दिल खोल के हम लोग बीजेपी में है, चाहे कोई साथ दे ना दे, हम लोग आए। यस्तो स्थितिमा अहिले राजनीतिक पार्टीको झण्डा लगाउने होड पनि चरम सीमामा देखिएको छ। पहाड, तराई, डुवर्स क्षेत्रमा अहिले सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू मतदाताहरूलाई लोभ्याउने कोसिसमा रहेको छ। यता सिलगढी नजिक हरियाली, चियाबारी, गुल्मा क्षेत्रमा पनि दुई प्रमुख दल भाजपा अनि तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीको झण्डाले क्षेत्रमा चुनावी उत्सव प्रत्यक्ष देखिएको छ। गुल्मा क्षेत्रमा भाजपा तथा टिएमसीको झण्डाहरू बिचमा विमल गुरुङ अङ्कित झण्डाहरू देखिएपछि अझै पनि यस क्षेत्रका मतदाताहरूमा विमल गुरुङ तथा गोजामुमो पार्टीप्रति श्रद्धा अनि आस्था रहेको प्रत्यक्ष देखिएको छ।